नमस्कार, मैं अफशा खान, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज़। आइए रुख करते हैं यूपी की इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जनपद मुरादाबाद के करनपुर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने उठाई आवाज। गांव मीरपुर मोहन चाक में ग्रामीणों ने बाढ़ के पानी की निकासी को लेकर उठाई आवाज। ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह ने 24 आवर्स टुडे न्यूज टीम को बताया कि गांव की मुख्य सड़क पर दो दिन से बाढ़ का पानी गुजर रहा है, जिससे गांव में जनजीवन प्रभावित है। गांव में बरसात के पानी से ग्रामीणों का आना जाना बंद हो गया है। पानी के तेज बहाव के कारण गांव का मुख्य मार्ग कट जाने से सड़क में 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे बने हैं, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है। पानी से गांव के किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है, जिसकी शिकायत मैंने लिखित में भी अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा सहायता नहीं मिल पाई है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हमें 20 से 25 साल इस बाढ़ पानी की मार को झेलते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका निष्कासन नहीं निकल पाया। जब भी बरसात होती है गांव के मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। रामगंगा नदी पास में होने से बाढ़ का पानी गांव में हर साल आता है, जबकि पढ़ने वाले बच्चों को भी इसी रास्ते से गुजर के जाना पड़ता है, जिससे उन्हें हादसे का शिकार होना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द यहां जल निकासी के लिए कोई ना कोई प्रबंध किया जाए, जिससे कि गांव के किसानों की फसलें भी बच सकें और ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता भी खुल जाए। मुरादाबाद से लोकेश सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं 24 आवर्स की न्यूज। देखिएगा, मैं हूं आज करनपुर क्षेत्र में और यहां देखिएगा बाढ़ पीड़ित ग्रामीण हैं जो काफ़ी मुसीबतों का सामना करते हैं। यहां जब मौसम बरसात का आता है तो लगातार यहां सड़कों पर पानी 4 से 5 फीट भर जाता है। इनकी ना ही कोई प्रशासन सुनता है और ना ही कोई आला अधिकारी। यहां जब हमने देखा कि ज़्यादा ही पानी है और यहां जो निकलने वाले व्यक्ति थे, ग्रामीण थे, उनसे हमारी बात हुई तो जानना चाहा कि यहां जनजीवन तो प्रभावित ही है, यहां जो फसल है वो भी उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी परेशानियाँ इन्हें ग्रामीणों को भी आती हैं। तो चलिएगा, हम यहाँ कुछ मौजूद जनता इनसे बात करना चाहेंगे, किस तरह की ये परेशानी उठाते हैं। जी, यहाँ ग्राम प्रधान मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। जी प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जानना चाहूँगा कि ये पानी कब से यहाँ बह रहा। ये आज सुबह लगभग 7 बजे से जी, और वैसे तो कल सुबह आ गया था पानी, नीचे चल रहा था बोलों के, लेकिन यहाँ मैंने कई बार प्रयास करा। जी जी, ग्राम पंचायत बालापुर का प्रधान हूँ जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अच्छा। और ब्लॉक ठाकर द्वारा, तहसील ठाकर द्वारा जी जी, जिला मुरादाबाद से जी। मैं हर वर्ष, पिछले वर्ष ही पानी नहीं आया, नीचे ही निकल गया। मैं हर साल यहाँ पे पानी, इस रोड पे पानी उतरता है गाँव को। आज तो कुछ गनीमत है जी जी, ना पहले जो है जहाँ खड़े यहाँ ज्यादा पानी होता, 5-5 फीट। मतलब कई सालों से यहाँ लगातार पानी गुजरता रहता है, यहाँ तो ना कोई प्रशासन सुनता ना ही आला अधिकारी। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, ग्रामीणों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, कितने गांव इस रोड से जुड़े हैं लगभग? इस रोड से मेन करके तो हमारा गांव है मड़िया मीरपुर। अच्छा। तहसील ठाकर द्वारा के अंतर्गत आता है जी, जी, लेकिन ये हमारा गांव जो है राजस्व गांव में दर्ज नहीं है। मीरपुर मोहनचक एतवाली के नाम से दर्ज है, जिसमें हमारा गांव बसा हुआ है जी। और मेरा जो है कहना ये प्रशासन से कि हमारा गांव का नाम राजस्व में दर्ज कर जी, और हमें जो ये बाढ़ का सामना करना पड़ता है, भीषण बाढ़। कितनी आपके गाँव की जनता, कितनी जनसंख्या से जो गुजर के चली जाती है रोजाना? लगभग 2000 की जनसंख्या, 2000 के लपेट में आपके यहाँ की जनसंख्या है। अच्छा, तो इससे फसल को भी काफी नुकसान होता होगा? हाँ जी, फसल को भी होता है। हम तो चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, उधर जाओ तो नदी जी और इधर जाओ तो रामगंगा का पानी आता हर साल की है रवैया, ये तो हर साल ही आना है पानी। कितना नुकसान हो जाता है फसल में? लगभग फसल में हो जाता होगा, थोड़ा मोड़ा नुकसान तो हो जाता है, पानी तो निकल ही जाता है जी जी, ऐसा जी, कोई वो नहीं है जी, लेकिन फिर भी बतेरा नुकसान हो जाता है। अच्छा, फिर भी प्रशासन ने इसकी पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई आया अभी तक सुबह से। अच्छा, देख लो ये गाड़ी में जान जोखिम में डाल कर आदमी कैसे निकलते जी जी। आपने अभी आला अधिकारियों को सूचित किया? मैंने तो नहीं सूचित किया, क्योंकि कल SDM साहब आए थे, कुछ देख कर गए। अच्छा, SDM साहब आए थे कल, देख के गए हैं, तो क्या आश्वासन दिया आपने? कहा कि पानी तो यानी कि बंदे पर जो है, बंदा है ना, 2 किलोमीटर है यहाँ से कम जी, जी, उस बंदे पर गए थे, मैं भी गया था उन्होंने साथ। अच्छा। उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत करा देंगे जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा पानी उसी बंदे पर क्रॉस होता है। यहाँ आया है। हाँ। तो आपने कभी इस रास्ते को लेकर प्रशासन से शिकायत की है? हाँ जी, लगभग लिखित में मैंने
बराबर 5 सालों में लिखित में शिकायत करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस मैंने कहा कि पुलिया ऊंची करके बना दो जी, ज्यादा ना हो डार्ट वाली पुलिया बना दो जी, लेकिन ऐसा कोई सुनवाई नहीं हुई। बस रोड बोर्ड डली जी, यानी कि मरम्मत करी जी, और PWD विभाग आए और बोर्ड बराबर करा और काम खत्म, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। ये ग्रामीण कितने परेशान है, हालांकि रोजाना का आने जाने का मार्ग यही है और ये सब लोग यहाँ 4-4, 5-5 फीट पानी में होकर जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना होने की संभावना बनी रहती है और काफी हादसे भी हुए हैं, लेकिन ना तो प्रशासन सुनता है ना ही कोई अधिकारी। यहाँ PWD के अधिकारी आते हैं वो सिर्फ इसके सड़क की जो मरम्मत कर जाते हैं, खाना पूर्ति होती है, लेकिन अभी तक इस लायक कोई सुविधा नहीं मिल पाई ताकि यहाँ कोई पुलिया बन जाए। ग्रामीणों ने हमने संपर्क भी किया और जानना चाहा, फसलों को भी काफी नुकसान होता है, आए दिन जो बच्चे गुजरते हैं यहाँ, बच्चों को भी परेशानियाँ होती हैं। इस समय जो स्कूल खुल जाते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी स्कूल भी नहीं खुले, आने जाने बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों को भी लॉकडाउन के कारण ये कहिएगा अभी पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन जब पढ़ाई शुरू हो जाती है तो इस समय काफ़ी परेशानियां होती हैं बरसात के मौसम में। जी भैया कुछ कहना चाहेंगे? भैया कितनी परेशानियां होती है बच्चों को यहाँ? आ गया भैया जी, भैया दिक्कत होती है यहाँ तो ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अच्छा भैया थोड़ा आ गया था जी 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 भैया। अच्छा समस्या जो है काफी समय से यही समस्या, यही समस्या है। यहाँ ग्रामीणों की प्रशासन भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये ग्रामीण कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले भी और छोटे छोटे बच्चे, खतरा बना रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। यहाँ बच्चे आने की खतरा बहुत होती है जी, इतना पानी हो जाता है कि स्कूल वाले बच्चों के लिए भी बहुत दिक्कत पड़ती है यहाँ आने के लिए, इसलिए बहुत परेशानी जी। जब इस समय जहाँ यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता होगा, 5 फीट हो जाता है, तो बच्चे भी पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, पढ़ाई का भी काफी नुकसान होता होगा, सारा नुकसान होता है। तो अधिकारी इस बारे में आप कभी नहीं सुनते? कोई नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी, आज तक भी नहीं सुनी। ग्राम प्रधान जी ने कभी शिकायत की है कभी जोर के? कुछ नहीं। अच्छा, प्रधान जी भी कहते हैं लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने कोई नहीं सुना। अधिकारी आपकी मांग क्या है लगभग यहाँ पर, किस चीज की मांग हो जाए? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे लोगों की सुविधा हो जाए निकलने के पास, जो आने जाने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी। कितने दिन तक यहाँ परेशानी आपको झेलनी पड़ती है? तो चमर से वक्त जैसे बरसात चली जब तक ही परेशानी रहती, जब वो पानी आता रहेगा बरसात चाहे 2 महीने बरसे, 1 महीने बरसे या 3 महीने, जब तक देखिएगा जब तक बरसात यहाँ होती है लगातार यही समस्या से जूझते रहते हैं ग्रामीण। और इन्होंने काफी प्रयास भी किया है लेकिन 20-25 सालों से सिर्फ इसी रास्ते से गुजरते हैं और काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। आए दिन इन्हें दिक्कतें होती हैं पढ़ने वाले बच्चों को भी, और रोजगार जो यहाँ रोजगार धारक व्यक्ति हैं जो काम के लिए जाते हैं वो भी काफी परेशान होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी डर रहता है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए। रात बिरात में ये लोग आते हैं लेकिन प्रशासन इनकी कभी सुध नहीं लेता। ग्राम प्रधान जी ने हमसे बताया कि मैंने लिखित में भी आला अधिकारियों को सूचित किया गया है लेकिन अभी तक यहाँ ना ही कोई व्यवस्था की गई है पुलिया की और ना ही यहाँ पर जो रोड है इसको ऊंचा करके बनाया गया है। चलेगा, हमने जो बात की ग्रामीण से जानना चाहा तो किस तरीके से ये परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।